अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। एंड आई होप आप सभी खैर वापस से होंगे। शहजैब को आज मैं स्कूल लेकर आई। शहजैब की लास्ट डे भी है तो स्कूल से बहुत सारा कुछ समय था, मेरी वजह से नहीं आ पाया था। कल मैं रेडी हुई तो फिर वो बहुत बदमाशी किया कल इसकी वजह से कल हम लोग नहीं आए। कल मैं सोची थी कल उसको लेकर आऊँगी बट वो बदमाशी बहुत किया, रात में रोना होना स्टार्ट। पापा बोले नहीं नहीं रहने दो, नहीं जाना चाह रहा है। तो उसको टेंशन हो रहा था, बहुत दिन बाद जाने से बच्चे लोग लगता है ना। बस वही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से नहीं लेकर आया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से स्कूल आया है और आज लास्ट डे भी। शहजैब को ड्रॉप करके स्कूल में यहाँ रुक गया है। मना को तो उसे बैठना होता है, उसके पैर में दर्द होने लगता है एंड गर्मी बहुत है अभी, मुझे सेटिंग भी हो रहा है। धूप तो बहुत है, 8 o'clock हो रहा है बट धूप बहुत है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टे ट्यून, चलते हैं घर, जल्दी से नाश्ता करते हैं। और आज फ्राइडे है तो कुछ तो स्पेशल बनाना होगा। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया हूँ, सोच रही हूँ अभी नहीं लेके जाऊँ, ऑनलाइन कॉल करके मंगवा लूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, भैया को स्कूल छोड़ने आई थी? हाँ। मदीना मॉल जाने का मन नहीं है बेटा, अभी मदीना क्यों जाएंगे? चलो ना मदीना। नहीं बेटा, प्यारी कुच्ची मुच्ची बेटी। बटर मारना को ऐसे सीखे, हम तुम्हारी प्यारी कुच्ची मुच्ची बेटी हैं, तुमको मदीना लेके नहीं चलोगी। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून, चलते हैं घर। नहीं बेटा चलो घर। हाय गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग, हेलो गुड इवनिंग, से हेलो गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग। How are you all? How are you all? My name is Manhattan Khan. हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सब दोपहर में सो गए थे। आज हस्बैंड भी अर्ली लेकर के आ गए थे लीव, तो 2:30 बजे तक हम लोग 3:30 बजे तक खाना खाए और असर की नमाज पढ़ के 4 बजे उसके बाद तब जाके सब सो गए और उठ रहे हैं तो 8 बज रहे हैं और सबके मगरिब स्किप हो गए। मैं ही उठी, मुझे अब और मैं उठ के सोच रही हूँ कि डेट है, मतलब रात में अभी हम लोग मॉर्निंग हो रहा है, रात में सोए हैं या दिन में सोए हैं, इतना अंधेरा करके सब सो गए थे और बाहर में भी अंधेरा था, तो मुझे लग रहा है कि रात है कि सुबह है। अक्सर देर हो जाने से ना ऐसा होता है। ईद उल अजहा के नेक्स्ट डे वो फायरवर्क है अबू धाबी में, कॉर्निश में, तो इंशाल्लाह वहां जाएंगे। और कल का अभी तक कुछ प्लान है नहीं, अभी लास्ट सैटरडे आया है तो अभी तक पड़े हुए। अब देखिए नहीं बेटा, मुझे तो खांसी नहीं ठीक हो रही है, अभी 2 दिन ठीक थी, अचानक सडन से ना आज अर्ली मॉर्निंग से बढ़ गया। किस चीज़ से बढ़ रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। कोई चीज़ मैं ठंडा नहीं खा रही हूँ, ना कोई भी फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ सिवाय मैंगो के। अब हो सकता है मैंगो से बढ़ रहा हूँ। खांसते खांसते मेरा बुरा हाल हो गया, नींद भी मेरी खांसी से टूटी। अभी उठी हूँ तब से गर्म पानी, दवा, तुलसी, यही सब खा रही हूँ। अब चाय लेके बैठी हूँ। हाँ बेबी, जब देखो इन लोगों को बोरिंग लगता रहता है, इनको इनके एंटरटेनमेंट ही करते रहे इनका हम। जब देखो कभी ये ड्रेस निकाल के पहनेंगे, फिर सुबह में कुछ और ड्रेस पहनी हुई थी, अभी फिर दोपहर में भैया के आज शाहब को भी अर्ली छुट्टी हो गई थी। आज शाहब के स्कूल में पार्टी थी ऐसे भी, और लास्ट डे था स्कूल से का, कल से शाहब का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया तो शहजैब स्कूल से अर्ली आ गया और पापा भी अर्ली छुट्टी लेकर आ गए। फिर दोनों नमाज पढ़ने गए, वो तो पहना तो बोली हम भी इमराती वाला फ्रॉक पहनेंगे। भाई सही रखना है, वरना मेरी वजह से ऐसा नहीं है कि लोग कैंसिल करने वाले हैं। जाना है उसी हाल में, दवा खिला के क्यों नहीं लेके जाएंगे, लेकिन लेके जाएंगे। और अभी मैं केसर वाली चाय पी रही हूँ, केसर गर्म होता है इसलिए मैं सोची थोड़ा सा। जब थे ना तो ईद हो, बकरीद हो, कुछ भी, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, दोनों ही में खूब तैयारी होती थी, खूब तैयारी, मेहंदी लगाना और
मेहंदी लगाना, घर में कुकिंग, क्लीनिंग, इतना प्रिपरेशन क्यों किसके लिए करूँ, यहाँ उतना दावत वावत वाला कल्चर है नहीं, और तीसरा इतना तैयार वैर होके कहाँ जाना है, इंडिया में तो इतना रिलेटिव्स हैं ये वो, यहाँ तो फिर भी किसी स्पॉट पे ही जाना है, तो जिसकी वजह से यहाँ ना बिल्कुल भी यहाँ बिल्कुल भी वो माहौल नहीं होता है ईद बकरीद में। हाँ यहाँ ईद और बकरीद में लोग यहाँ दूसरे टाइप की ईद बकरीद होती है, यहाँ ईद और बकरीद लोग घर में अपना जो भी प्रिपरेशन करें, हाँ बाहर में देखा जाए तो ईद घर के बाहर जो ईद होती है वो ऐसा होता है कि हर जगह कहीं ऑफर होता है, कहीं कुछ फायरवर्क होता है, कहीं कुछ और कार्निवल टाइप्स लगा होता है, तो लोगों की ईद वही हो जाती है, वो कहीं कार्निवल में विजिट कर लेते हैं, कहीं मॉल में कुछ प्रोग्राम हो रहा होता है, तो अभी बहुत सारा है, लाइक मरीना मॉल में भी अभी बहुत सारा कुछ पता कर करके हम लोग रखे हैं, इधर लगा कि पूरी सिटी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अभी डब्ल्यू बी का प्लान किए हुए इंशाल्लाह देखिए, तो यही सब अभी बहुत सारी प्लानिंग्स है, बहुत सारी प्लान, अभी जस्ट छुट्टी स्टार्ट हो रहा है ना, शादी और शहजाद को तो 2 मंथ छुट्टी है, और फिर शाम में जब चाय पी के उठे तो फिर हस्बैंड और बच्चे दोनों सब बोलने लगे कि कुछ शाम के लिए कुछ नाश्ता बनाने के लिए, तो चिकन ब्रेस्ट पड़ा हुआ था, तो मैं सोची वही बना, उसी से कुछ फ्राइज़ बना देती हूँ, एंड रिसेंटली मैं ये वीडियो देखी थी तो मैं सोची कि इस रेसिपी को ट्राई करती हूँ, इसमें मैं 1.5 कप मैं बताऊँगी एंड में मैं कहाँ देखी थी, खैर 1.5 कप मैं मैदा ले ली हूँ, उसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाली हूँ, इनफैक्ट थोड़ा सा उससे कम ही डाली हूँ, भर के नहीं डाली हूँ, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डाली हूँ, 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर डाली हूँ एंड 1 फुल टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ, इन सबको अच्छे से एक मिक्स दे दूँगी और अच्छे से मिक्स करके इसे साइड रखूँगी। मैं 1 kg ब्रेस्ट ली हूँ, उस हिसाब से मैं आपको सी की क्वांटिटी बता रही हूँ, और यहाँ पे मुझे 2 eggs लेना था बट मेरे पास 2 eggs नहीं था और नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तबीयत ख़राब से उठी और इतनी लेज़ीनेस लगती है आजकल मुझे बिल्कुल नहीं होता नीचे जाके सामान लेकर आऊँ, और तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा बस अराउंड 1-2 to 3 sip वाटर में डाल करके अच्छे से इसे भी बीट कर ली, इसमें मैं हल्का सा सॉल्ट डाली थी, और फिर थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैं कॉर्नफ्लेक्स ले रही हूँ, कॉर्नफ्लेक्स जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं बस केलॉग्स का ही मैं ली हूँ, आप अदर कंपनीज़ का भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, कॉर्नफ्लेक्स ले ली हूँ मैं, ये भी अराउंड 1 कप ले ली हूँ भर के, और उसे ना क्रश कर दूँगी मैं शीशे के ग्लास से ही उसे प्रेस करके क्रश कर रही थी, और फिर इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी और अच्छे से क्रश कर दीजिए, महीन हो जाए थोड़ा बस ऐसा एकदम फाइनली ना हो, मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा रहेगा ना तब वो अच्छा लगेगा, इसमें मैं चाय की चम्मच से ना अराउंड 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स डाली हूँ, एंड ब्रेड क्रम्स भी ना पीस के रखने से थोड़ा थोड़ा सा क्योंकि मोटा मोटा रह जाता, तो मैं उसे वो फिंगर से अपने चूर रही थी, और उसे भी इन सबको दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें भी डालूँगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल दीजिए, क्योंकि अदर दोनों जगह सॉल्ट डाले हैं हल्का हल्का, और फिर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दी हूँ अंदाज से, और अब इन दोनों को भी इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी, बस इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर जाएगा, इनके साथ अच्छे से पहले मिक्स कर दीजिए, और उसके बाद अब कुछ हर्ब्स ऐड करेंगे आप, इसमें मैं अभी पार्सली डाल रही हूँ, वो सॉरी पार्सली बोल रही हूँ, ऑरिगेनो डाल रही हूँ, और ये रोज़मेरी था ड्राइड रोज़मेरी, तो मैं उसे डाल रही हूँ थोड़ा सा, आपके पास नहीं है तो ये नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, स्किप कर सकते हैं, ऑरिगेनो तो पिज़्ज़ा में जो डालते हैं वो ऑरिगेनो डाल रही हूँ, रोज़मेरी डाल दी हूँ, अब मैं पार्सली डाल दी हूँ, कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं और भी थोड़ा अगर कुछ और हर्ब्स है उसे भी ऐड कर सकते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा पार्सली डाल दी, मैं कोरिएंडर नहीं डाली हूँ, आप कोरिएंडर भी डाल सकते हैं, खैर इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, चिकन ब्रेस्ट को भी मैं वॉश करके रख दी हूँ उसका वाटर ताकि अच्छे से हट जाए, जाली में करके रख दी थी वॉश करके, और अब मैं इसमें स्लिट लगा रही हूँ चिकन में, और जो ब्रेस्ट जो बहुत ज़्यादा मोटा मोटा था ना उसे मैं बीच से 2 पार्ट में कर दी, उसके मिडल से काट दियो ताकि वो पतला हो जाए तो जल्दी कुक हो जाएगा ना वो, वरना वो बहुत मोटा मोटा होता है तो गलने में ना देर लगेगा अंदर का, फिर वो रॉ सा रह जाएगा, इसे मैं उसे 2 पार्ट में कर दी हूँ,
और सब में स्लिट लगा दी हूँ। और अब इन सबको ना एक एक करके वो जो तीनों मिक्सचर बनाए हैं तीनों में एक एक करके डिप करेंगे। तो पहले हम इस पहले ना मैं वो और वाला जो बनाए थे मैदा वाली जो मिक्सचर बनाई थी मैं उसमें इसे डिप कर दी हूँ, दोनों साइड्स में अच्छे से लगा दी हूँ। इनफैक्ट मैं फिंगर्स है ना पिन से डाल डाल के जो स्लिट्स था ना स्लिट्स में भी डाल करके अच्छे से लगा दी ताकि वो अंदर अंदर लग जाए। एंड सेकंड मैं इसे एग में डिप कर दी हूँ और एग्स में दोनों साइड्स अच्छे से साइड्स टर्न चेंज कर करके दोनों साइड अच्छे से एग वाली मिक्सचर भी अच्छे से अप्लाई कर दी हूँ उस पर। और अब थर्ड मिक्सचर में इसे डिप करेंगे सॉरी लगाएंगे उसमें दोनों साइड्स में अच्छे से वो कॉर्नफ्लेक्स वाला, और ये ना बड़ा हाथ में चिपक जाता है तो हल्का सा ऑयल लगा लीजिए या फिर हल्का हल्का वो लग ही जाता है जितना भी आप हटाइए, मेरा भी बड़ा गंदा हो जा रहा था बार बार फिंगर। खैर से मैं इसे लगा करके फिर ऑयल में डाल दी हाँ और अब एक एक करके सबको ऑयल में डाल दी हूँ। मैं ऑलिव ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, इसे डिप फ्राई नहीं कर मुझे ऐसा लगा इसे डिप फ्राई नहीं की हूँ मैं, इसे मैं इसे हल्का ही ऑयल डाल करके दोनों ऊपर से भी मैं ऑलिव ऑयल डाल करके बहुत ही हल्का ऑयल में दोनों साइड से कर दी हूँ। तो इससे ना बहुत अच्छा क्रिस्पी सा हो गया था और बहुत ही टेस्टी हुआ था, घर में सबको बहुत पसंद आया और मेरे बेटा का तो इतना फेवरेट हो गया है ये, उसे बहुत सबसे ज़्यादा उसको ऐसे भी ना ये चिकन फ्राइज टाइप का आइटम्स बहुत पसंद है तो उसका ये बहुत ज़्यादा बहुत पसंद आया। अब मैं इसके लिए चटनी बना रही, तो मैं मायो और टोमेटो सॉस की और मैं बाकी के चिकन को भी डाली हूँ फ्राई होने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा सा इसका लुक भी बहुत अच्छा था, अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हो गया था। तो मैं ऐसे बर्गर का बन था उसे मैं बटर लगा के हल्का सेक दी थी, उसी के साथ सर्व की थी, सबको बहुत पसंद आया। और ये रेसिपी थी नौशापी की, मैं उनकी व्लॉग देखती हूँ और हाँ ये रेसिपी मैं उनके व्लॉग पे उनकी रेसिपी है मैं उसे देखी थी, मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू नौशापी फॉर दिस अमेजिंग एंड डिलीशियस रेसिपी। और ये आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी सी रेसिपी थी। तो जब हम लोग वीरमार्ट से आ रहे हैं और वीरमार्ट में जाके मैं कुछ भी शूट नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और हम लोग को बहुत देर हो गया था, लाइक 10:30 हो गया था जाने में ही, 10:30 हो गया था। और बस अभी आए हैं और अभी हो रहा है 1:07, 1:10 होने वाला है। और अभी ला करके सारे सामान ऐसे ही रख दी हूँ, सब सुबह अरेंज होगा और कल छुट्टी का दिन है। कल का अभी तक कुछ प्लान है नहीं, देखते हैं, कल तबीयत भी नहीं ठीक है असली कोई ख़ास प्लान है नहीं कुछ। खैर अभी बच्चे भी आए हैं जा रहे हैं, इन लोगों को नाइट सूट पहनाएंगे, खाना खिलाना है, खाना खाना है, बहुत उसकी भूख लग रही है, तो चलते हैं।